दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में घट रही किसानों की संख्या को सरकार व किसान संगठन अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। सत्ता पक्ष के कई नेता ये दावा कर चुके हैं कि आंदोलन के किसान लौट चुके हैं, सिर्फ राजनीतिक मंशा के लोग ही धरने पर डटे हैं। किसानों के जोश पर सवाल उठने के बाद एक बार फिर आंदोलन को बॉर्डर पर सक्रिय करने के लिए किसान संगठन प्रयास में जुटे हैं। हरियाणा व पंजाब से किसानों के जत्थे बॉर्डर पर भेजे जा रहे हैं। पंजाब से रवाना हुए किसान जत्थे की अगुवाई करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी बस्ताड़ा टोल पर पहुंचे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दिल्ली कूच कर रहे किसान सरकार को दिखा रही है कि उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। मिशन पंजाब में जत्थेबंदियों को आगे आना चाहिए। जनता का राज जनता के हाथ में होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट के हाथों में सत्ता। चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन के दौरान 550 किसानों की मौत हो चुकी है, वे कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐसे में हिंसक किसान को होना चाहिए या बीजेपी को? इन सब के बावजूद किसान सब्र रखे हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी की सप्लाई को लेकर हरियाणा पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा। धान के सीजन में केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान को चढ़ूनी अधिक गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि उनके बयान को अधिक तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल बीजेपी की तरह होगा। एक दिखाना, सरकार को दिखाना कि सरकार जैसा सोचना शुरू कर दिया कि शायद किसानों में जोश कम हो गया, किसानों में एक लहर कम हो गई है, किसानों की संख्या बॉर्डरों पे घट गई है, ये बार बार वो बोलते हैं। तो बॉर्डरों पे बेशक हमारी संख्या कम हो गई, क्योंकि वहाँ पिछले 5.5 महीने से कोई काम नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन हमने शुरू नहीं किया, सरकार ने बातचीत नहीं की, लेकिन लोगों के अंदर अभी वही जोश है। ये दिखाने के लिए हम बार बार ऐसे जत्थे ले जाते हैं, पहले करनाल से भी ले गए हैं, पानीपत से ले गए हैं, अंबाला से ले गए हैं, मोहाली से ले गए हैं, अब डेरा बाबा नानक से ये बड़ा जत्था लेके पंजाब वाले भाई आए हैं। और एसपी गारंटियाँ कानून बनाएंगे, ये किसी पार्टी ने बोला? मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। मैंने ये कहा है कि आप लोग जो पंजाब की जथेबंदियाँ, उनको सबसे पहले अगर तो नहीं को लगना चाहिए। मैं पंजाब मॉडल मिशन पंजाब के जनता का राज जनता के पास, ना कि जनता का राज कॉरपोरेट के पास। अगर जनता के ऊपर कॉरपोरेट राज करेगा तो कॉरपोरेट अपने पक्ष के कानून बनाएगा। हाँ, 22 तारीख से लेके और अगले महीने की 13 तारीख तक जो संसद कूच का प्रोग्राम है, ये लगातार जत्थों में जारी रहेगी। गुरनाम जी, धान के सीजन में पानी की बहुत जरूरत है किसानों में, ऐसे में सीएम केजरीवाल का बयान आना कि उनको उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, किस तरह देखते हैं? देखिए, वो पानी जो उनके हिस्से का पानी है, क्या ये तो मौसम खुश्क चल रहा है, सभी तरह की दिक्कत आती है, ठीक बात है। और इसमें जो है उसका उसके कोई बयान की कोई ज़्यादा उसको तूल देने की कोई अहम दिन रखता मेरे ख्याल से, तो जो इतना बड़ा सवाल हो गया कि आ जाए, चाहे पराली को लेकर हो, धुएं को लेकर हो, दिल्ली सरकार अक्सर जो है किसानों को इस मामले में नहीं नहीं, ये तो आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम उस पर उंगल उठा दें, कहीं ना कहीं फिर बीजेपी वाले चाल चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बार बार वो करते हैं, ठीक है, उनका अपना विचार है, दूसरों का अपना विचार। आंदोलन चल चुका है, किसान हिंसक हो रहे हैं या सरकार हिंसक हो रही है? 550 जिसके मरगे वो कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे, जिनके 80-80 साल के बुजुर्ग, जिनकी औरतें, जिनके बच्चे 8-8 साल के, 10-10 साल के बच्चे भी आप आंदोलनों में देख सकते हो, जो धरनों में बैठे हुए हैं, जो 45 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे हुए हैं, उनकी क्या हालत होगी? हिंसक किसान को होना चाहिए या बीजेपी को? लेकिन इस सब के बावजूद भी किसान सब्र रखे हुए हैं, तो इसके सब्र का इम्तिहान ला लें।